आवाज क्यों नहीं उठाए तुम? हिंदू मुस्लिम की बात करूं मैडम। एमपी तो झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। जो भी हो नाम से मतलब है। नाम बताओ, नाम बताओ, बहुत नाम बताओ, सुनो नाम बता दो, मैं बताता हूँ। मैं कहूँ कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा और कांग्रेस के, हाँ, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, उसके 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, इस पर आपकी क्या राय? मैडम अभी एमपी तो झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। 2 से 2.5 महीने में देखिएगा एमपी में तो बनेगा ही और राजस्थान में भी बनेगा। इनका जैसे एक्चुअली क्या है, कांग्रेस में और कांग्रेस के सपोर्टर को जिनका जमीर मरा हुआ है वही कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर सिंधिया जी का जमीर जाग गया है। देखिए अगर ये कहते हैं ना कि पैसे से खरीदा गया है तो आज तक तुम क्यों नहीं बीजेपी के लोगों को खरीद लिए, तुम क्यों नहीं बीजेपी के एमपी को खरीद लिए? अगर सिंधिया जी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि कांग्रेस जैसा पार्टी कई खड़े मतलब कितने ही खड़ा कर देंगे, तो खरीदा नहीं गया है, उनका जमीर जगा है। तो जिनका भी जमीर जगेगा वो देश के राष्ट्रहित में काम करेंगे और राष्ट्रहित में वो काम करेंगे, ठीक है? तो ठीक है ना, जब थे अब तो कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। उनकी मम्मी जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई, उनका बेटा कांग्रेस में क्यों, बीजेपी में क्यों नहीं था पहले? पहले ये चीज समझ नहीं आया, जब वो कांग्रेस में थे तब नहीं था, आपको उस टाइम बोलना चाहिए। जब जगा एक ही चीज है, जब जागो तभी सवेरा। तो जब उन्होंने स्टैंड लिया है हम लोग इसका सराहना करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है बीजेपी को ज्वाइन करके, और ये बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है और सब लोगों को इसको मतलब सर आंखों पे बिठाना चाहिए। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है बीजेपी के साथ मिल करके, बहुत अच्छा कदम वो उठाएंगे, अच्छा कार्य वहाँ होगा एमपी में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 5 विधायक ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं गुजरात पे पीछे आज से नहीं 20 साल से बीजेपी का कब्जा है। अभी भी हार्दिक जैसे दोगले लोग के वजह से जो पटीदार को गलत पाठ पढ़ा करके उन्होंने साइड किया है, नहीं तो अगर हार्दिक जैसा अगर दोगला पैदा नहीं होता तो अभी भी बीजेपी ये कांग्रेस को ना वहाँ पे अपना खाता खोलने में भी प्रॉब्लम हो जाता। तो ये जान लीजिए भाई साहब, हाँ मेरे युवाओं, एक मिनट भैया, नाम क्या है, नाम क्या है आपका? जो भी हो नाम से मतलब है। नाम बताओ, नाम बताओ, बहुत नाम बताओ, सुनो नाम बता दो, मैं बताता हूँ, मैं काउंट कराता हूँ, मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी, अपना नाम बता दो, नाम बता दो, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो, मैं हिंदू हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, मैं आपको बता, मेरी बात सुन लो, हाँ मुझे आप मुझसे जानना चाह रहे हैं, हाँ, इस पर टोई पर हाँ, ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ नहीं है आप हिंदुस्तानी, आप आपके दिल में हिंदुस्तानी अगर होता तो। सर एक सेकेंड, सर मैं भी कुछ कह देता हूँ सर, बात यहाँ गुजरात की है, राजस्थान की, सर सर हमें बीजेपी से लेना देना नहीं है, हमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पर सर, यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से, हमारे लिए बीजेपी भगवान है, हमारे लिए बीजेपी भगवान है, हमारे बाबा दादा जो कई 100 वर्षों से राम मंदिर के लिए मर गए सुनते सुनते, लेकिन अब हम लोग ना, लेकिन हम लोग खुश नसीब है कि हमारे रीजन में देखने को मिला है कि ये हुआ है ना, किसके रीजन में हुआ है, 370 नेहरू ने जो गड्ढा खोद के वो मर गया था, आज 370 किसने हटाया? आपका स्टेट है, आपके कंट्री का स्टेट है, लेकिन आप जाके वहां शादी नहीं कर सकते, अब आप जाके कर सकते हैं वहां से। 19 जनवरी 1990 को जब हिंदुओं को था उसके बहन बेटी का इज्जत लूट लिया गया था, तो वो अच्छे कहां चले गए? सरकार की बात है, जो ये दंगे होते हैं ना, आप हर जगह मिलेंगे, आपको ये गंदे लोग हर जगह मिलेंगे, चाहे हिंदू में ही मिलेंगे। इन्होंने कर दिया कि वो बेकार की बात थी, जो 1990 में हुआ वो बात उठाना बेकार की बात। मेरी बहन, ये मुद्दा उठाना बेकार की बात। मेरी बहन आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमेशा इनको ये चीज बेकार लगेगा, जब ये 6 लाख कश्मीरी पंडितों को वो बात इनको बेकार लग रहा है, एक आसिफा के साथ कुछ होता है।
हो गया, वही ट्विंकल के साथ खड़ा हुआ तो तुम अच्छे थे क्या? आवाज क्यों नहीं उठाए तुम? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करो। मैडम मैडम शायद आप इनकी तरफ हैं, माइक मेरे मुंह पे नहीं आ पा रहा। बिल्कुल आ रहा है, तभी तो हमने आपकी बात रखी। यहाँ पर बायस कोई नहीं, हम आपकी बात रख रहे हैं। नहीं कर पाए ना, मैं बात करता हूँ। पहली बात, सब हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ देश की बात हो रही थी। भाई ने अभी, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड मैं कम्प्लीट करूँ। भाई ने अभी क्या कहा, अगर आप देशभक्त होते तो आप बीजेपी आपको अच्छी लगती, मतलब जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है वो देशभक्त है। सब चीजें है क्योंकि क्योंकि बीजेपी हर वो काम कर रहा है जो राष्ट्र के लिए, कुर्सी के लिए कोई काम बीजेपी नहीं कर रहा है। बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मध्य प्रदेश में सरकार गिर रही है, वहाँ पे फ्लोर टेस्ट होगा कल 11 बजे। उसके 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, 6 विधायक का इस्तीफा मंजूर हो गया है, और गुजरात में 5 विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, और राजस्थान में भी सचिन पायलट और गहलोत के बीच घमासान मचा हुआ है। हम बात इस पर कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी और कांग्रेस पर। तो सर की बात कर लो, सिख ईसाई की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम केवल सर राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच डांडी को लेकर घमासान मचा हुआ है। वो 3 बार चुनाव हार चुके, उसके बाद भी राज्यसभा सीट के लिए उनको उम्मीदवार खड़ा किया गया है, जिस पर सचिन पायलट नाराज हैं। तो क्या आप सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं? मध्य प्रदेश वाला ही जो मध्य प्रदेश में हुआ वही राजस्थान में भी दोहराया जाएगा? मैडम बिल्कुल दोहराया जाएगा। एक चीज बताइए, गहलोत, अशोक गहलोत जो था राजीव गांधी का ड्राइवर हुआ करता था कभी, ठीक है। सचिन पायलट जी बिल्कुल लायक है, जो उनको जगह नहीं दिया जा रहा है, उनकी बातें नहीं, जैसे सिंधिया जी की नहीं सुनी जा रही थी, ठीक उसी तरह सचिन पायलट जी के साथ किया जा रहा है। और सचिन पायलट जी भी आप देख लीजिएगा, आने वाले महीने से 1.5 महीने के अंदर में वो अपना स्टैंड लेंगे और वो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, 100% बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। और आप कल देख लें, कल फ्लोर टेस्ट होगा। मेरा नाम धीरज है, अगर कांग्रेस अगर सत्ता में रह गया आप मुझे जूता मार देना, कल उसका सरकार वहां गिरेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ऐसे नहीं विधायक ऐसे इस्तीफा नहीं दिए हैं, तो सबको पता है कल फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद इनकी सरकार गिर जाएगी। तो क्या राजस्थान में सचिन पायलट सिंधिया साबित होंगे, मध्य प्रदेश के सिंधिया साबित होंगे? नहीं देखिए, वो सिंधिया साबित होंगे नहीं होंगे, वो सचिन पायलट ही रहेंगे, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बीजेपी ही उनको सही पोस्ट देगा और बीजेपी के साथ ही वो आएंगे। आप देख लेना, ये मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का काम। थैंक यू सो मच सर। सर मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान मचा हुआ है और कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट है, बीजेपी तैयार है, बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाह रही, वही कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी वहां पर इतना खुश है और दावा कर रही है सरकार बनाने के लिए, और 22 विधायक कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं, तो कांग्रेस को डर सता रहा है कि कल अगर फ्लोर टेस्ट में वो बहुमत नहीं साबित कर पाए तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी का नुकसान होगा, जो कमलनाथ सोनिया गांधी के एज दलाल थे, और जो भी पिछले 40 साल से जो भी पैसा कलेक्ट होता था सोनिया गांधी को देते थे, माने जो भी चीफ मिनिस्टर देता है कमलनाथ के द्वारा सोनिया गांधी के पास पैसा पहुंचता था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो। कैसे पैसा पहुंचता था, क्या कलेक्ट करके वो सोनिया गांधी? चंदा आता था पार्टी चंदा था, या जो चीफ मिनिस्टर रहने के लिए पैसा देते थे हर मंथली 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ फिक्स था, वो सोनिया गांधी के कमलनाथ द्वारा जाता था। और सोनिया गांधी दुनिया की सबसे करप्ट लेडीज है, सबसे करप्ट लेडीज है, अमेरिकन टाइम में है, अमेरिकन टाइम जो मैगजीन है कि वर्ल्ड की सबसे भ्रष्ट लेडी सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी की वजह से UP 1 UP 2 में केवल लूट मचती रही, 3-3 लाख करोड़ 2-2 लाख करोड़ घपला हुआ है। ये मोदी जी 6वें साल चल रहा है, इसमें कोई घपला नहीं हुआ 6 साल में। सोनिया गांधी जैसी लेडीज, राहुल गांधी, प्रियंका, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इटली में झोपड़पट्टी थी, आज 3 किलोमीटर की बिल्डिंग बनी हुई है, शोरूम बना हुआ है। ये सोनिया गांधी झोपड़पट्टी में रहती थी, इसकी माँ जो इटालियन नहीं थी कि रसिया की थी, बाप इटली का था, समुद्र किनारे में मानता था, समुद्र पे रोड पे पंचर लगाता था ये सोनिया गांधी। हमें तो पता है कि वो सेना में थे, हमें तो पता है कि सेना में। वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर सोनिया गांधी नेहरू परिवार का कोई डेटा चाहिए तो लंदन लाइब्रेरी में सब मिल जाएगा,
वहाँ पर डॉलर में पे, पे तो ये जो गूगल पे दिखाता है कि वो एक सेना में थे और सोनिया गांधी के पिता, ये गलत है? वो पंचर बनाते थे आप रोड पे पंचर लगाते थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर? हाँ तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं ना, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडियन ऑयल का एक डायरेक्टर वहाँ गया और तो वहाँ का जो इटली का था कहो चलो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर के ससुराल दिखाए, तो रोड के किनारे ले गया और ये झोपड़ यही तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर के ससुराल है। सोनिया गांधी झोपड़पट्टी में रहती थी और 3 साल जेल भी रही है, 2 साल 11 महीने 9। सर एक सेकेंड सर, गुजरात में 5 विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और 14 विधायकों को जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है, कांग्रेस के विधायक है और वहाँ उनको डर सता रहा है कि ये कहीं और विधायक जो है वो इस्तीफा ना दे दें, तो 36 विधायक बचे हैं उनको भी शिफ्ट किया जा रहा है जयपुर। देखिए सोनिया गांधी जो है किसी को चैन से रहने नहीं देगी, राजीव गांधी के डेथ के बाद जो है सीताराम केसरी भी अच्छे लेडी थे और नरसिंहा राव भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी लात मार के आए जब प्रेसिडेंट को निकाल दिया और कमरे में ताला लगवा दिया और तब इस प्रेसिडेंट की कुर्सी तब से आज तक टिल डेट तक 20 साल से कब्जा में, एक अनपढ़ लेडी जो देश को चला रही है, देश में 135 करोड़ जनसंख्या में कोई है नहीं, कांग्रेस में केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यही चलाएंगे, देश में कांग्रेस में और कोई लीडर नहीं है क्या? नरसिंहा राव 18 भाषाओं के जानकार थे, वैसा बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ और नरसिंहा राव अच्छे लीडर थे। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में घमासान मचा हुआ है डांडी को लेकर, जो 3 बार चुनाव हार चुके हैं उसके बाद भी उनको उम्मीदवार बना दिया गया है, तो क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे राजस्थान के लिए? देखो सचिन पायलट बहुत अच्छे लीडर हैं और वो पढ़े लिखे हैं, लोगों की बात समझते हैं, गरीबों की यूथ की बात होते हैं। जहाँ तक गहलोत का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ये जो है इनके फादर जो है वो जो है अरे ढोल नगारा बजाते थे और वो जो है क्या नाम है वो भालू होता है वो जोधपुर में नचाते थे इनके पास। सर ये तो पर्सनल लाइफ हो गई, हर कोई ऐसे मोदी जी को भी बोल सकते हैं चाय वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो ये चीज़ें नहीं करते, काबिलियत जो उनकी क्वालिफिकेशन है उस पर बात कर सकते हो, बट ये फैमिली बैकग्राउंड नहीं। काबिलियत है कि वो हर महीने में जो है 50 करोड़ सोनिया गांधी को लेकर देते हैं, ये अच्छी काबिलियत है। कमलनाथ और गहलोत दोनों ही सोनिया गांधी लाल हैं और हरियाणा में भी पैसा आता था, हुड्डा थे वो भी पैसा देते, हुड्डा का तो कयास लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले। अरे भाई तो जब जो इनकी बात पैसा नहीं मानेगा तो उनको तो कयास लगाएंगे वो बीजेपी में जाएंगे, हुड्डा के बाप जा सकता है, बाप इंडिया बेटा जा सकता है, उसमें कोई कल्पना नहीं।